हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, हम राजस्थान के खनिज थे वो हमने पूरे पढ़ लिए हैं, और आज जो क्लास है हमारी वो खनिज से संबंधित जो आपके एग्जामों में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनसे संबंधित रहेगी, और उन क्वेश्चनों के बारे में हम चर्चा करेंगे कि कौन सा क्वेश्चन पूछे गए थे। तो चलो आज की क्लास में स्टार्ट करते हैं, और पहला क्वेश्चन देखते हैं इसमें कि मोरिजा बानोला खनन क्षेत्र है वो किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। हमारा जो आज का क्वेश्चन है पहला, वो है कि मोरिजा बानोला कौन सा, मोरिजा बानोला जो खनन क्षेत्र है वो किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, एक तो चांदी के लिए, दूसरा आपका लोहा, तीसरा आपका अभ्रक, और चौथा आपका जिप्सम। तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा लोहा, क्योंकि जो मोरिजा बानोला क्षेत्र खनन क्षेत्र है वो लोहा खनिज के लिए क्या है जी प्रसिद्ध है। नेक्स्ट हमारा दूसरा क्वेश्चन है इसके अंदर कि आगुचा गुलाबपुरा खनन क्षेत्र किस जिले में, इसमें जिले में पूछा है कि जो खनन क्षेत्र है आपका आगुचा गुलाबपुरा खनन क्षेत्र है वो कौन से जिले में स्थित है। तो आगे ऑप्शन दे रखे हैं, तो जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा और दौसा। कौन कौन से दे रखे हैं, जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा और दौसा दे रखे हैं। तो आगुचा गुलाबपुरा खनन क्षेत्र है वो आपका भीलवाड़ा में हो जाएगा। कहाँ पे हो जाएगा, भीलवाड़ा के अंदर हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन मोरिजा बानोला खनन क्षेत्र के बारे में पूछा था कि वो कौन से खनिज के लिए प्रसिद्ध है, तो वो लोहा के लिए प्रसिद्ध है। दूसरा क्वेश्चन था कि जो खनन क्षेत्र है आगुजा गुलाबपुरा खनन क्षेत्र वो कौन से जिले में स्थित है, तो आपका भीलवाड़ा में है और ये आपका लोहा में, इसका जो खनन है क्षेत्र लोहे से संबंधित हो जाएगा। आगे देखो, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि तीसरा क्वेश्चन है कि भारत का कौन सा राज्य जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन करता है, कि भारत का वह कौन सा राज्य है जो सर्वाधिक जिप्सम का क्या करता है, उत्पादन करता है। तो आपके ऑप्शन है इसमें, पहला है मध्य प्रदेश, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है छत्तीसगढ़, और ऑप्शन डी में आपका रहेगा सभी। तो भारत का वह कौन सा राज्य है जो जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन करता है, तो वह आपका है राजस्थान राज्य। कौन सा राज्य है, राजस्थान राज्य है वो क्या करता है, जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन करता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि कपूरड़ी खनन क्षेत्र किस जिले में स्थित है, कौन सा खनन क्षेत्र, कपूरड़ी खनन क्षेत्र कौन से जिले में स्थित है, कपूरड़ी खनन क्षेत्र है वो कौन से जिले के अंदर स्थित है। तो ऑप्शन है पहला नागौर, दूसरा है जैसलमेर, तीसरा है बीकानेर और चौथा आपका रहेगा बाड़मेर। तो कपूरड़ी खनन क्षेत्र है वो बीकानेर जिले में है। कौन से जिले में है जी, बीकानेर जिले के अंदर है। तो पहला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन था हमारा जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान करता है, कपूरड़ी जो खनन क्षेत्र है वो कौन से जिले में है, बीकानेर में है। आगे क्वेश्चन करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक कि सुमेलित करना है हमें, क्वेश्चन क्या है कि सुमेलित करना है हमको। इधर हमने दे रखे हैं जो खनिज है हमारे, जो धातु है वो है, और उधर हमारे जो स्थान है। तो हमें जो खनिज है उससे संबंधित है उसे हमें मिलान करना है। तो देखते हैं, पहला एम में टंगस्टन है, क्या है, टंगस्टन। टंगस्टन मांडू की पाल में पाया जाता है, या डेगाना में, या झामरकोटड़ा में, या गाठ गोठ मांगलोद में पाया जाता है। तो टंगस्टन है वो आपके डेगाना नागौर में, कहाँ पे, डेगाना नागौर में। तो टंगस्टन है वो कहाँ पे है, डेगाना में। फिर आता है फ्लोरस्पार, अब फ्लोरस्पार है वो मांडू की पाल में पाया जाता है, तो इसका हो जाएगा मांडू की पाल में। फिर अगला है हमारा रॉक फॉस्फेट, रॉक फॉस्फेट मैंने बताया था जब खनिज हम पढ़ रहे तो झामर कोटड़ा उदयपुर बताया था, तो रॉक फॉस्फेट आपका हो जाएगा झामर कोटड़ा उदयपुर। और जिप्सम है गोठ मांगलोद आपका, ये हो जाएगा। तो टंगस्टन डेगाना, फ्लोरस्पार आपके मांडू की पाल होगी, रॉक फॉस्फेट आपका झामर कोटड़ा उदयपुर वाला, और जिप्सम है वो आपके गोठ मांगलोद हो जाएगा। अब हमें इनकी जो कूट है इनको मिलान करना है। तो एम ए कौन सा है, दो नंबर है आपका, इसे मान लो देखो एक, तीन और चार, इनको मिलाते हैं। तो एम ए दो आता है और बे में एक आता है, और तीन में आपका तीन तीन सेम रह जाएंगे, तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा आपका बे। ये मैंने उसी तरह बनाया जैसे इसमें बताया, तो दो एक तीन चार हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन था सुमेलित करने वाला, ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा इसमें देखो कि मंगला तेल क्षेत्र किस जिले में स्थित है, मंगला तेल क्षेत्र है वो कौन से जिले में स्थित है। ऑप्शन आपकी बीकानेर में, बाड़मेर में,
जालौर में और पाली में। कौन से में मंगला तेल क्षेत्र है वो कौन से जिले में स्थित है? ऑप्शन आप करेंगे बीकानेर, दूसरा आपका बाड़मेर, तीसरा आपका जालौर रहेगा और एक आपका रहेगा पाली। कौन सा ऑप्शन होगा इसमें? तो इसमें आपका ऑप्शन है वो हो जाएगा आपका बाड़मेर। कौन सा हो जाएगा जी? बाड़मेर। बाड़मेर के अंदर ये क्षेत्र स्थित, जो तेल क्षेत्र है वो बाड़मेर के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि राजस्थान के किस शहर को ताम्र नगरी कहते हैं? कि राजस्थान का वह कौन सा शहर है जिसको हम ताम्र नगरी कहते हैं? ऑप्शन आपके रहेंगे सीकर, खेतरी, जयपुर और अलवर। तो कौन सा वह शहर है जिसको हम ताम्र नगरी कहते हैं? क्या कहते हैं? ताम्र नगरी कहते हैं। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा खेतड़ी। खेतड़ी को क्या कहते हैं? ताम्र नगरी कहते हैं। और मंगला तेल क्षेत्र है वो आपका बाड़मेर के अंदर, जो बाड़मेर जिला है आपका, उसके अंदर ये क्षेत्र स्थित है। अगला क्वेश्चन देखो इसके अंदर कि खान और भूविज्ञान निदेशालय है वो कहाँ पर स्थित है? खान और जो भूविज्ञान है जो निदेशालय है वो कौन से जिले के अंदर स्थित है? ऑप्शन है आपकी जयपुर, दूसरा आपका बीकानेर, जो तीसरा आपका उदयपुर और एक आपका है जोधपुर। कि खान और जो भूविज्ञान निदेशालय है वो कौन से जिले के अंदर स्थित है? तो ऑप्शन आपका जयपुर है, उदयपुर है, बीकानेर है, जोधपुर है। इनमें से ऑप्शन आपका कौन सा होगा? उदयपुर। क्योंकि खान और वो जो भूविज्ञान निदेशालय है वो आपका उदयपुर जिले के अंदर स्थित है। कौन से जिले के अंदर स्थित है? उदयपुर जिले के अंदर खान और भूविज्ञान निदेशालय स्थित है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि झामर कोटड़ा खाने किसके लिए जानी जाती है? जो झामर कोटड़ा खाने हैं वो किसके लिए जानी जाती है? हमारा जो एक पहले क्वेश्चन आया था सुमेलित क्रिया, उसके अंदर पूछा था झामर कोटड़ा किससे संबंधित है। तो आपका आंसर इसमें देखो जिप्सम है ऑप्शन में, अभ्रक है, रॉक फॉस्फेट है और चांदी है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका उत्तर? इसमें रॉक फॉस्फेट आपका उत्तर हो जाएगा कि जो झामर कोटड़ा खाने हैं वो आपकी रॉक फॉस्फेट खनिज के लिए प्रसिद्ध है। कौन से के लिए जानी जाती है? रॉक फॉस्फेट के लिए जानी जाती है। और जो खान और जो भूविज्ञान निदेशालय है वो आपका उदयपुर जिले के अंदर स्थित है। आज का हमारा जो अंतिम क्वेश्चन है वो देखते हैं। तो यह है सुमेलित करने वाला क्वेश्चन। कैसा क्वेश्चन है? सुमेलित। इसमें एक तरफ तो आपकी खाने हैं, दूसरी तरफ आपके जिले हैं। इन खानों को इन जिलों से संबंधित करना है कि कौन से खाल कौन से जिले के अंदर स्थित है। तो जो पहला है इसमें केसर देसर है, क्या है जी? केसर देसर। जो केसर देसर खान है वो आपके कौन से जिले में स्थित है? यहाँ पे आपके चार जिले हैं, तो आपका बीकानेर, नागौर, बाड़मेर, जैसलमेर। इनमें से आपको चुनना है कि केसर देसर जो खान है वो कौन से जिले के अंदर स्थित है। तो वो आपकी बीकानेर जिले के अंदर स्थित है। कौन से जिले के अंदर है? केसर देसर जो खान है वो बीकानेर जिले के अंदर स्थित है। अगली है कपूरड़ी। जो कपूरड़ी खान है वो कौन से जिले के अंदर स्थित है? इनमें से आपको एक तो ये हटा दूँ क्योंकि ये तो आपका केसर देसर बीकानेर में हो गए, तो ये हो गए। अब तीन में से हमें इसको देखना है कि कपूरड़ी कौन से जिले में स्थित है। तो कपूरड़ी देखें तो नागौर है, बाड़मेर, जैसलमेर। तो कपूरड़ी है आपकी वो बाड़मेर जिले से है। कौन से जिले से संबंधित है? बाड़मेर जिले से संबंधित है। अगला हमारा माता सुख खान जो है आपकी नागौर में। कौन से में जी? नागौर में। फिर तनोट, तनोट तो नाम से आप जानते हैं, जैसलमेर के अंदर स्थित है। तो केसर देसर बीकानेर में, कपूरड़ी बाड़मेर के अंदर, माता सुख है आपकी नागौर में है और तनोट है आपकी जैसलमेर में। अब इनका आप कर लो, जिससे इनके आंसर देखो कैसे आएंगे। यहाँ पे आपको नीचे दिखाई नहीं देगा तो देख लो इसके अंदर एक हो गया और उसमें आपका तीन हो गया, फिर आपका दो वाला हो जाएगा और फिर आपका चार हो जाएगा। ये आपके आंसर रहेंगे। एक के अंदर आपका एक और बी में आपका तीन और सी में दो और डी में चार हो जाएगा। तो आज के लिए हमारे ये 10 क्वेश्चन थे। यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर ज़रूर करना और मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। तब तक के लिए आप सभी को राम राम, धन्यवाद।